असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी। बात के दो ऐसे लोग जिनको हैदराबाद में आप नहीं रखना चाहिए, उनको हैदराबाद से तड़ी पर करना चाहिए, ऐसी मांग उठ रही है, क्योंकि उनके विषैले भाषणों से, उनके विषैले विचारों से, उनके देशद्रोही शब्दों से इस देश में देश के खिलाफ युद्ध करने की इच्छा रखने वाले लोगों की पैदाइश बढ़ रही है। याद रखो दुनिया वालों, ये संघ परिवार, आरएसएस, बीजेपी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, सुन लो आप, हमारा अकीदा ये है कि जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैह सलाम को दुनिया में भेजा तो हजरत आदम अलैह सलाम हिंदुस्तान में आए। ये हमारी बाप की सरजमीन है। ये बताइए कि आजकल आपका जो चेहरा है वो मुस्लिम राजनीति का एक बड़ा चमकदार चेहरा बनकर उभर रहा है। आप एक तरह से अब बनाना चाहते हैं मुसलमानों की पार्टी। के दलितों से मोहब्बत के इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, मगर जिस जज ने SC ST एक्ट के खिलाफ जजमेंट दिया, आपकी सरकार ने उसको NGT का चेयरमैन बनाया और आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि ऑर्डिनेंस जारी कर सके। मैडम, द कश्मीरी पंडिट्स मस्ट बी सेंड बैक टू कश्मीर वैली। आई हैव सेड दिस इन द लोकसभा। दिल्ली की सड़कों पर इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद हजारों सिखों को मारा गया, अब तक इंसाफ नहीं मिला सिखों को। फिर बता रहा हूं सर मैं आपको, याद रखिए कभी इंसाफ नहीं होगा। आप मुतमईन रहिए, कभी इंसाफ नहीं होगा। आप और हम सिर्फ होते रहेंगे, मगर हमारा काम यह है कि अपनी नस्लों को उस वाकये को याद दिलाते रहना पड़ेगा। इंसाफ के लिए लड़ते हुए कोई नहीं इंसाफ करेगा। रूलिंग पार्टी में MJ अकबर के ताल्लुक से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर B21 बनाया गया, कहां गए उसकी रिपोर्ट? आपने अपनी पार्टी से किसी हिंदू को, किसी सिख को टिकट दिया है? आप सबकी तरफ से एक सवाल मैं ओवैसी साहब से पूछ लेता हूं आज, आप अपनी पार्टी से हिंदू कैंडिडेट को कब टिकट देंगे? से मजलिस के उम्मीदवार मोहतरम जनाब अरुण गोबले साहब है। ये आपका भाई, आपका बेटा मनोज संसारे यहाँ से कामयाब होगा। हमने इसीलिए डैनियल को हमारा उम्मीदवार बनाया ताकि ईसाई तबके के लोगों की भी नुमाइंदगी हो। ये शख्स किस तरह से डर की दुकान सजा रहा है, दहशत खौफ एक कौम में पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तो डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, डरने और घबराने की हरगिज जरूरत नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और मुल्क क्या होगा और क्या जो तल्ख जबान आप बोलते हैं, आप इस बात ना माने, लेकिन इस महफिल में बैठे हुए ज्यादातर लोग इस बात को मानेंगे कि आप तल्ख जबान बोलते हैं। क्या तल्ख जबान? जहर उगलने वाली इस जुबान ने फिर सियासत चमकाने की कोशिश की है। मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि अगर कोई अली मुद्दीन हो, कोई राजेंद्र हो, कोई रोहित वेमुला हो, कोई अंकित हो, उनके दिलों से खौफ ना रहे। कोई बच्चा आकर मुझसे ना कहे कि असदुद्दीन ओवैसी मुझे डर लगता है। कोई नौजवान आकर मुझसे ना कहे कि मुझे डर लगता है। कोई हमारी माँ और बहनें हमको फोन करके ना कहे कि हमको डर लगता है। हम डर निकालना चाहते हैं, हम डर को खत्म करना चाहते हैं।